बौद्ध गया जो भगवान बुद्ध की धरती है, और ये रेस शुरू हुआ मेंस कैटेगरी में 10 किलोमीटर रन शुरू हो चुका है, जिसमें कुल 151 पार्टिसिपेंट्स भाग ले रहे हैं। और ये रेस मगध विश्वविद्यालय के खेल परिसर में हो रहा है। दस किलोमीटर दौड़ का प्रारंभ हो चुका है पुरुष वर्ग में। मगध विश्वविद्यालय के इस खेल परिसर में 2 किलोमीटर का एरिया बनाया गया है, जहां खिलाड़ियों को कुल 5 चक्कर पूरे करने हैं। फिलहाल कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस वक्त रेस में अपनी लीड को बनाते हुए गया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है। और इस शहर में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसे पवित्र भूमि में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई हैं, जिसमें आज का ये पहला इवेंट पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर रेस शुरू हो चुका है। और खिलाड़ी एक दूसरे के साथ मिलकर दौड़ लगाते हुए मेन 10 किलोमीटर रेस जो प्रोग्रेस में है, इसके बाद विमेंस 10 किलोमीटर रेस का स्टार्ट होना है। हमारे सभी खिलाड़ी इस वक्त पहुंच चुके हैं। पुरुष वर्ग में जो हमारे अग्रणी धावक हैं, लगातार अपने लीड को दूसरे खिलाड़ियों से गैप बनाते हुए, और मंच पे आप देख रहे हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने आज की इस दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। टेन किलोमीटर रेस मेंस आज का, यहाँ का तापमान, यहाँ का टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही खुशनुमा मौसम है। लेकिन इसके बावजूद मौसम खुशनुमा बना हुआ है। आज का ये पहला इवेंट मेंस कैटेगरी में 10 किलोमीटर रेस पूरा करते हुए सभी खिलाड़ियों को 5 लैप पूरे करने हैं। इस इवेंट में कुल 151 खिलाड़ी 151 एथलीट भाग ले रहे हैं, अपनी लीड को बनाते हुए
58th नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 आज 15 तारीख बिहार राज्य के गया शहर में ये आयोजन हो रहा है। आज की पहली स्पर्धा जो ठीक 8 बजे शुरू हुई थी और ये पहला लैप पूरा करते हुए हमारे रनर्स पहले दो धावक अपना लीड बढ़ाते हुए दूसरा और तीसरा जो पंच है एथलीटों का लगातार एक दूसरे को पोजीशन के लिए फाइट करते हुए लगातार अपने लीड को बनाते हुए पहले और दूसरे धावक लगातार जो पार्टिसिपेंट्स हैं अपने गैप को मेंटेन करते हुए और उनकी कोशिश है कि इस दौड़ में वो अपना पोजीशन बनाए रखें। अभी एक लैप पूरा हुआ है, अभी 4 लैप शेष बचे हुए हैं। और ये हमारे अग्रणी धावक हैं लगातार अपने गैप को और अंतर देते हुए अपनी लीड को बढ़ाते हुए नेशनल क्रॉस कंट्री गया में आयोजित गया अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट प्लेस है और इस टूरिस्ट प्लेस की अपनी एक खास महत्ता है। लगातार एथलीट एक दूसरे को पीछा करते हुए और इस कंपटीशन में अपना पोजीशन बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। दूसरे लैप को पूरा करने के लिए एथलीट अपना कोशिश करते हुए जैसा कि हमने बताया आपको गया
एक अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट प्लेस है जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया न केवल अपनी तपोभूमि के लिए जाना जाता है बल्कि इनका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है और ये हमारे अग्रणी धावक हैं जो अपना लीड बढ़ाते हुए अपने अन्य कॉम्पिटिटर्स को बहुत पीछे छोड़ते हुए और निरंतर अपने गैप को बढ़ा रही हैं। और जो लीडिंग पार्टिसिपेंट्स हैं ये अपना दूसरा लैप पूरा करते हुए बहुत अच्छी लीड बना रखा है इन्होंने। बिप नंबर 569 और उनके साथ ही उनके पीछे 618 और ये तीसरा जत्था जिसमें बहुत ही बेहतर रनर्स मौजूद हैं और अपने लीड को कम करते हुए और ये चौथा जत्था, तो ये दूसरा लैप पूरा करते हुए पार्टिसिपेंट्स मेन 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में भाग लेते हुए हमारे पार्टिसिपेंट्स दूसरा लैप को पूरा कर आगे कदम बढ़ाते हुए और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हैं हमारे लीडिंग पार्टिसिपेंट्स। काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला सभी रनर्स के बीच में। और ये आप देख रहे हैं हमारे सबसे आगे चलने वाले खिलाड़ी अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं सबों के पीछा छोड़ते हुए और काफ़ी अच्छा लीड बना रखा है। अब तक 2 लैप पूरे किए जा चुके हैं। बहुत अच्छा लीड बना रखा है पहले और दूसरे धावक ने अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को पीछे छोड़ते हुए। फिफ्टी एट्थ नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 आप देख रहे हैं। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया और बिहार एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा आयोजित इस कंपटीशन के जो हमारे दूसरे सहयोगी हैं बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी बिहार सरकार उनका सपोर्ट है। Woman 10 kilometers
इसके ठीक बाद विमेंस 10 किलोमीटर रेस शुरू होगा जिसकी तैयारियां चल रही हैं। महिलाओं और पुरुषों के 10 किलोमीटर रेस पूरा होते ही मेडल सेरेमनी की जाएगी पुरुषों के 10 किलोमीटर, और ठीक इसके बाद 9:45 पर बॉयज अंडर 20 के इवेंट होंगे 8 किलोमीटर रेस। इसके ठीक बाद